भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 रुपए के नोट को वापस लेगा, हालांकि ये वैध मुद्रा बना रहेगा। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दे। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में रहेंगे, यानी जिनके पास इस समय देश में 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज कराना होगा। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि साल 2018-2019 में ही 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया गया था। आपको बता दें, साल 2016 में नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था, जब नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। 2000 के नोट को बंद करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है। पिछले कुछ महीनों से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए के नोट नहीं निकल रहे हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी संसद में जानकारी दी थी। आरबीआई ने अब बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को नहीं छापने का फैसला किया है, और साथ ही जितने भी नोट मार्केट में हैं वो सब वापस होंगे, जिसके लिए लोगों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।